अनु एक तो आप नंगे हो यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडेज वीडियो इज नॉट अ व्लॉग और समथिंग, इट्स अ डिफरेंट वीडियो। इतना टाइटल में बढ़ गया होगा। मैं तुम लोगों को 24 फैक्ट्स अबाउट मी बताने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए जो शायद मुझे नहीं जानते, और मेरी 50% ऑफ द वीडियोज वो लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो शायद वो लोग मुझे नहीं जानते, तो उनके लिए। बाकी तो जो मेरे दोस्त मेरी वीडियोज देखते हैं उनको मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे बारे में पता ही होगी। फैक्ट नंबर 1 इज कि मैं राजस्थान से हूँ। ये तो मैंने कितनी बार बता दिया होगा चीज़ों में ना। सेकेंड कि मैं जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ, बचपन में वहीं पैदा हुई और उसी में बड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी तो हम लोग अलग घर में अपने शिफ्ट हो गए थे। किसने इन्वाइट किया? अपने मन से आया। अनु एक तो आप नंगे हो यार। नीचे नीचे प्लीज यार। अनु मेरा लड्डू, चल नीचे, चल नीचे चलो अनु। थर्ड फैक्ट इज उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ। 10th क्लास तक मैंने उसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की है। फैक्ट नंबर 5, 10th क्लास के बाद मैं वुमेन्स यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। 6th फैक्ट इज मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। कभी मैंने टॉप नहीं किया और ना कभी मैं एकदम फेल हुई। एक्सेप्ट फेल तो चलो वो मैं 9th क्लास में हुई थी, मैथ्स में हुई थी। उसके बाद फैक्ट नंबर 7 यही है, आई हेट मैथ्स एंड फिजिक्स। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैं मैथ्स में फेल हुई, फेल वाला एग्जाम देने बैठी तो फिर से फेल हुई। उस वाले एग्जाम में फिर से फेल हो रही थी तो टीचर को ही शर्म आ गई कि ये बंदी शायद इसमें पास नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पास कर दिया, तो फिर मैं पास हो गई। फिर उसके बाद जब मैं 11th में, मेरे पास साइंस थी तो वही केम फिजिक्स दोनों पढ़नी पड़ती थी, तो फिजिक्स मुझे नहीं आती थी, तो उसमें मेरा ऐसे ही रहता था फेल पास, ऐसे झूलती रहती थी मैं। लेकिन मैं पास हो गई फिर भी, उसमें कभी फेल नहीं हुई, चाहे आधे मार्क्स से हुई हूँ या एक नंबर से हुई हूँ, लेकिन हमेशा पास हो जाती थी जैसे तैसे। फैक्ट नंबर 8 और मेरा फेवरेट फैक्ट, आई लव 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 पॉलिटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का ऐसा सीन है कि मुझे 10th में थोड़ी थोड़ी ही पसंद थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती घर वालों ने साइंस साइंस दिला दी, तो फिर बायो तो पढ़नी थी। और पॉलिटिक्स का ऐसा सीन है कि मुझे पसंद ही थी क्लास 9th 10th, मुझे सोशल साइंस बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन फिर बाद में जाके रियलाइज हुआ कि इसमें भी सब्जेक्ट है, ये है वो है, तो फिर मुझे पॉलिटिक्स बहुत अच्छे लगने लग गई क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग गाइस। 9th फैक्ट इज कि मुझे लैब्स वगैरह बंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऑल्दो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार अगर तुम आए हो पढ़ने तो फिर तमीज से पढ़ के जाओ, और अगर तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद, लैब बंक करना पसंद है, तो फिर तुम हॉस्टल में रहो। पहला कि मुझे पसंद भी नहीं था, और दूसरा कि मेरी फटती भी थी भाई कि कोई देख लेगा, कोई पकड़ लेगा। जब मैं 11th 12th में थी तो मेरी दोस्त थी एक, तो वो है ना बोलती थी चल 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 बंक करते हो, मेरे को इतना डर लगता था कि मुझसे कभी नहीं होता था। वो मुझे बोलती थी भाग 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 स्कूल की तरफ मत देखना, और मैं स्कूल की तरफ ही देखती रहती थी, और मैम मुझे देख लेती थी, और मैम बोलती थी वापस आओ तो मैं वापस भी चली जाती थी। इतनी बेवकूफ थी मैं। फैक्ट है कि मुझे फिजिक्स की लैब बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे मैंने तुम्हें बताया मुझे फिजिक्स नहीं पसंद थी, तो मैं फिजिक्स की लैब में क्या करती थी ना, मैं वॉशरूम में जाके बैठ जाती थी, वो भी उस जमाने में जब स्कूल कॉलेजेस में फोन्स अलाउड ही नहीं थे, मैं फिर भी आधा आधा घंटे वॉशरूम में बैठी रहती थी। और मेरे दोस्त थे संजना गुरु जो मेरे साथ काम करते थे लैब में, वो लोग इतनी सीरियसली काम करते थे चश्मा लगा के, और वो मुझे बोलते थे रीति तू कहाँ जा रही है, तू ऐसे मत जाना, तू काम करना, मैंने जब तू कर ले फिजिक्स मुझे नहीं करनी, सोनोमीटर पर डंडा हो जाती रहती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। मैं बस उसको ये बोल के जाती थी कि मैम आए ना अगर तो प्लीज़ मुझे वॉशरूम में बुलाने आ जाना, तो वो बंदी पूरा ऑल द वे टू वॉशरूम आती थी मुझे बुलाने, थी आ जा मैम आ गई, उन्हें भाग के आ जाती थी, और मुझे कुछ होश नहीं है क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और अब तुम बोलोगे एग्जाम में क्या करती थी, एग्जाम में रीडिंग रट के चली जाती थी, एग्जाम में रीडिंग रट के चली गई, और इतनी स्टूपिड हूँ, जाते ही मेरे को वो मिला था सरफेस टेंशन वाला जो वो होता ना, वो एक्सपेरिमेंट था, और मैंने जाते उसकी 3 ही रीडिंग थी, जाके सबसे पहले सारा लिख दिया और तीनों रीडिंग उतार दी और बैठी हूँ। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं करना आता क्योंकि कभी अटेंड ही नहीं की लैब,
और देख रही हूँ इतने में मैम आ गई और कहती है क्या क्या तुमने तो बताओ कैसे किया, क्या बोलती हूँ क्योंकि आता ही नहीं था। फिर मैम समझ गई कि ये तो रट के आई और इसने रीडिंग लिख दी तो मैं पकड़ी गई, मेरे नंबर कट गए और मेरे फिजिक्स लैब में फिर 4 नंबर आए। तो फिर मैं 12th में पास हो गई। और उसके बाद फैक्ट नंबर 11 कि मैंने लाइफ साइंसेज में बैचलर्स की है, मैंने डुओलिंगो से फ्रेंच सीखी है, मेरी 100 डेज की स्ट्रीक रही है। उसके बाद मैं बहुत डिसकंटिन्यू हुई थी तो फिर मैंने नहीं सीखी। फैक्ट नंबर 13 कि मैंने जूलॉजी में मास्टर्स की है। और फैक्ट नंबर 14 इज कि मुझे जानवरों से डर लगता है। अब तो जानवरों की से मुझे डर लगता है इन द सेंस कि मैं उन्हें देख नहीं सकती हूँ ज़्यादा देर, जब वो मूव करते ना तो मेरे को कुछ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर चल रहे हैं, तो मैं नहीं देख सकती जानवरों को ज़्यादा टाइम तक। फैक्ट नंबर 15 इज आई एम वेजिटेरियन। यस, मैं वो वेजिटेरियन हूँ जो दूसरों को भी नॉनवेज खाते हुए नहीं देख सकती अपने साथ। मेरे साथ जो भी जाता है मैं उसको पहले बोलती थी भाई प्लीज वेज के। तो फैक्ट नंबर 16 मुझे क्या क्या करना पसंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं लोकसभा और राज्यसभा पे डिबेट्स देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्या फैटिश है, मुझे अंदर से बहुत सुकून मिलता है जब। सेकंड कि मेरे को ये है कि मैं सारे दिन भर अपने घर वालों के आसपास रहूँ कि फिर मेरे को करने को कुछ नहीं मिलता तो मैं फालतू की बकवास करती हूँ। थर्ड कि मैं जितनी भी चीज़ें फिर लोकसभा और राज्यसभा टीवी पर देखती हूँ वही सारी पंचायत फिर अपने पापा से करती हूँ। फैक्ट नंबर 17 इज कि मैंने रिसेंटली मूवीज देखना शुरू किया। जो भी मेरी पेंडिंग है ना 2-3 साल से मैं वो देख रही हूँ, मत कहना ये क्या इतनी पुरानी पिक्चर देख रही है पागल है क्या, तो मैं वो देख रही हूँ जो कि मैं तब भी देखना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं देखती थी। तो मैंने मिशन मंगल देखी है, पिंक देखी है, IB71 देखी है, और वैसे मैं रोमांटिक मूवीज भी देख लेती हूँ हॉलीवुड की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अंग्रेजी बोलेंगे ना मेरा तो दिमाग का उड़ जाएगा। रोमांटिक इसलिए टॉलरेट कर सकती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं होता, यू नो देख करके इमोशंस में ही बह करके तुम्हें आधी बातें तो वैसे ही समझ आ जाती है। फैक्ट नंबर 18 की मेरी फेवरेट जो बॉलीवुड मूवी है वो है वीर ज़ारा, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 12th क्लास में देखी थी मेरी एक दोस्त शावी की सजेशन पर। थैंक यू शावी। और शावी के कहने पे मैंने टाइटैनिक भी देखी थी तो मुझे वो भी अच्छी लगती है। फैक्ट नंबर 19 इज आई एम एलर्जिक टू विटामिन सी, वाइटामिन। मेरे को मैं दही खाती हूँ या फिर मैं ऑरेंज खाती हूँ या फिर मैं लेमन वेमन का कुछ भी खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा छींके चलने लग जाती है और मेरे को जुकाम हो जाती है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। फैक्ट नंबर 20 मुझे मेरी बहन ने सजेस्ट किया था, मैंने उससे पूछा कि मैं क्या बताऊँ तो उसने बोला कि बता दे कि तू दिखने में पापा जैसी है लेकिन तेरे मेंटल ट्रेट्स मम्मी जैसे है। फैक्ट नंबर 21 ये भी मुझे पिया ने बोला कि तू बता तुझे क्या पसंद है, तो मुझे ये पसंद है कि मेरे पास 24 घंटे लोग भाग रहे हैं, मुझे ज़्यादातर अकेले बैठना पसंद नहीं है। फैक्ट नंबर 22 इज कि मुझे डस्ट एलर्जी है, जब भी धूल उड़ती है तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट इन द सेंस कोई भी पाउडरी फॉर्म में जो भी चीज़ होती है। तो फैक्ट नंबर 23 इज कि मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ, ऐसा मुझे मेरी बहन ने बोला, या तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ कि या तो मैं ऐसे उठती हूँ और ना मुझे पसंद है फिर कोई बोले ना तो चुप रहना यार क्यों हर बात में बोलना जरूरी है क्या, चुप रहना ऐसे करती हूँ मैं कभी कभी। और कभी कभी मेरा ऐसा मूड रहता है कि मैं चुप ही नहीं होती और मैं अपने आसपास सबको परेशान कर देती हूँ बोल बोल के। 24th फैक्ट इज द लास्ट फैक्ट और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो स्ट्रेंथ भी है कहीं ना कहीं और स्टूपिडिटी भी है। क्या होता है मेरे साथ कि मुझे जब कोई इंसल्ट करता है ना तो मैं उसको ऐसे देखती रह जाती हूँ, मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पाती, तब हैंड टू हैंड ना मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। और इवन इफ जब बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ये बोल सकती थी या मुझे आसपास वाले बोलते कि तू पागल है कि तूने कुछ बोला क्यों नहीं, तू ये बोल सकती थी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने जो तुम्हें बुरा बोला उससे वो ऑलरेडी 10 लोगों के सामने वो खुद बुरे बन चुके हैं ऑलरेडी, तो तुम्हें किसी को ऐसे उल्टा जवाब दे करके बुरा बोल के क्या मिलेगा। आई मीन तो मैं तुम्हें एक ही सजेशन देना चाहती हूँ, अगर कोई भी तुमसे कुछ भी फालतू बकवास करे ना तो उसको कुछ भी मत बोल लो। That's it guys। आ जा। 24 फैक्ट्स में से तुझे कौन सा है जो सबसे अच्छा लगता है मेरे बारे में या कुछ? ठीक अच्छा? है बैठना आना आ जा बता। औकात ही नहीं है लड़ने की इसीलिए मैं नहीं बोलती।
ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे और हो गए मेरे 24 फैक्ट्स। अभी तुम बताओगे तुम्हें क्या पता था, या फिर वो बता दो जो तुम्हें नहीं पता था। ओके बाय। ओके बाय, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।